और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास आशियाना बसाने का सपना देखने वालों को साइबर ठग चूना लगा रहे हैं। साइबर ठगों ने यमुना प्राधिकरण की फर्जी वेबसाइट बनाकर आवासीय योजना के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए हैं। कोतवाली विश्रख ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस साइबर ठगों की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगों से बचने के लिए यमुना प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें। मनोज की शिकायत पर विश्रख पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान कई और पीड़ितों के नाम भी सामने आए हैं। विश्रख थाने के प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया है कि 5 अन्य पीड़ितों ने भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि जांच में लगभग 50 पीड़ितों के और भी नाम सामने आए हैं। मुस्लिम कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में ले रही है, लेकिन इस मामले में आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। डीसीपी नोएडा सेंट्रल जोन रामबदन सिंह ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।